ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में गाइस मैं एडवेंचर से वापस आ गया था, और वापस आते हुए गाइस अपना मेन टारगेट था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया था, यानी कि मुझे अपने साथ वापस डॉग को ढूंढ के लाना था अपने कासल में, जो कि मैंने कर दिखाया। और डॉग्स के साथ साथ गाइस मैं लेकर आया हूं कुछ पांडास को। डॉग्स तो खैर काफी ज्यादा हो गए, इनको दबा के ना एकदम पूरा जितना भी फूड होता है ना रो आइटम सारे खिला दिए, और इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अपने कासल में तो स्केलेटन्स तो भैया दूर दूर तक नजर नहीं आते, क्योंकि वो बेचारे से देखते ही डर जाते हैं। बाकी यार ये देखो, अपने पांडा दो थे, इनको बैम्बूज खिला खिला के मैंने इन्हें तीन कर दिया, तो बैम्बूज यार काफी जल्दी ग्रो जाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनको खिलाते रहूंगा और काफी सारे पांडा कर लूंगा। हाँ मुझे मालूम है कि इन्हें मैंने, ओ तेरी, एक पांडा अभी और नीचे आ रहे भाई, लेकिन जगह बहुत कम है। बट कोई नहीं गाइस, इनको ना एकदम बढ़िया सी बड़ी जगह पर ले जाएंगे। मतलब कि यार अभी ना मेरे दिमाग में इतने ज्यादा आइडियाज चल रहे हैं अपने कासल को लेकर, कि ये भी करना है वो भी करना है, पर पता नहीं क्या क्या करना है, सब कुछ हो तो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको काफी सारे चेंजेस दिख रहे होंगे, मैंने नए शवल से सारी की सारी ग्रास ना क्लीन कर दी है, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि इधर उधर के रास्ते बन गए हैं। बट गाइस मैं आपको बताता हूँ, आज की वीडियो हम लोग कहीं पर नहीं जाने वाले, आज हम लोग करने वाले हैं सबसे खतरनाक काम। मतलब कि गाइस यार अपने कासल ना ऊपर ऊपर से तो बहुत अच्छा हो गया, बट अंदर से उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। पर हाँ, आज हम लोग इसे अंदर से अच्छा नहीं करेंगे, आज मैं बनाने वाला हूँ एक सीक्रेट बंकर। मतलब हमारा जो कासल का थ्रोन है ना, उसको मैं, तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ, जल्दी उठ जाओ, अभी ये दोनों मेरे साथ रहेंगे। थोड़ा वो ज़ोंबी वोंबी वैसे आएंगे नहीं, बट फिर भी अगर बाय चांस आ जाते हैं तो ये अपना साथ निभा देंगे। तो गाइस आज मैं क्या करने वाला हूँ ना, ये जो अपना थ्रोन है ना, इसके एकदम नीचे मैं इतना ज्यादा बेड रॉक तक डिग करने वाला हूँ, मतलब खोदता खोदता बेड रॉक तक चले जाऊंगा। और गाइस बेड रॉक को भी तोड़ के मैं वहां पर अपना सीक्रेट रूम बनाने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे हो यार बेड रॉक कैसे टूट जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा भाई कर दिखाएगा। चलो कोई नहीं, भी फिलहाल काफी सारे काम है, पहले उसे निपटाते हैं। अब यार देखो, ये काम करने के लिए ना हमें इसके लिए मतलब पिकेक्स चाहिए, जो कि मेरे पास नेदरराइट वाली है, और मेरे पास एक डायमंड पिकेक्स भी है। तो आज ना यहां पर जितनी भी चेस्ट बाहर रखी हुई थी मैंने सारी की सारी अंदर मूव कर दिया, बहुत टाइम लग गया, पर ना मैंने ना अभी सामान शॉर्ट नहीं करा है। जो चेस्ट में जैसा सामान जा रहा, किसी में भाई कुछ भी निकल रहा है चेस्ट में से, कहीं से भाई शुगर केन निकल रहा है, 500-500 शुगर केन निकल रहा है, इतना फालतू का माल पड़ा हुआ था, बट मैंने सारा भी अंदर ले जाकर रख दिया है। फिलहाल गाइस अभी मैं पता क्या करने वाला हूं, कि अभी मेरे को ना डिगिंग करनी है, तो डिगिंग करने के लिए जितना भी यहां पर आयरन है ना, मैं सारा का सारा तोड़ दूंगा। इससे क्या होगा, जो मैं अपना थ्रोन है ना, इसको मैं ले जाके रख दूंगा अपने कासल के ऊपर, ताकि जब मैं डिग करूं तो इससे मैं एक्टिवेट कर लूंगा स्ट्रेंथ, तो बहुत तेज अपनी स्पीड बढ़ जाएगी, तो हम लोग जल्दी जल्दी डिग करके अंदर घुस जाएंगे। बाकी यार एक कसम से ना, रात को भी अभी होना था क्या, चलो कोई नहीं। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैंने अपने थ्रोन की सारी लेयर्स को तोड़ के सारा का सारा ब्लॉक ऑफ आयरन यहां पर कलेक्ट कर लिया है। अब बस ये लास्ट अपना थ्रोन रह रहा है, इसको भी जल्दी से हम लोग तोड़ के कलेक्ट कर लेते हैं, और ये इतना ज्यादा मजबूत होता है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। ओके लेट्स गो, फाइनली मैंने इसे तोड़ दिया है। और इसको कलेक्ट करने के लिए मैं काम करता हूं अपनी ये जो डर्ट है ना, ऐसे नहीं डर्ट नहीं है, प्लैंक्स बाहर फेंकता हूं, डर्ट तो फिर भी थोड़ा बहुत काम आती है। चलो अभी फिलहाल अपना इतना काम हो गया है, अभी यही ना सेम टू सेम स्ट्रक्चर मुझे ना इधर ले जाकर बनाना अपने कासल के ऊपर, और फिर उसके बाद हम लोग यहां पर ना सीधा माइनिंग स्टार्ट कर देंगे और एकदम अंदर तक डिग करने वाले हैं। वैसे गाइस अभी ना मेरे पास काफी सारे आइडिया हैं, और एक आइडिया मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो यार ये देखो, ये जो अपना बैकग्राउंड है ना, इसको ठीक करने में ना मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ ना, टेम्प्रेरी, उतरी भैंस के किसने मारा भाई, जाओ यार क्या कर रहे हो भाई, वो मेरी कुटाई कर रहा है, मारा कहां से मेरे को तो ये भी नहीं पता चला। इस स्केलेटन का ना मैं भूत बना दूंगा, पता नहीं भाई कहां चला गया यार। सारे डॉग्स को मैं अपने साथ इसलिए नहीं रखता हूं ना यार, बहुत परेशान कर दे, जहां पर पत्थर तोड़ना होता है वहीं आए खड़े हो जाते हैं, फिर इनको एक स्वॉर्ड मार के हटाना पड़ता है, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो कोई नहीं, फिलहाल वो ना मेरे को मार के भाग गया है, तो अभी ना मेरे को यहां पर 9x9 का ना एक, भाई कहां है तू, दिख जा अभी ना गाइस, मैं इसका नीचे जाकर ही मुंह तोड़ने वाला हूँ, इधर तेरी भैंस की, मेरे को मारेगा, भाग यहाँ से भाग भाई साहब, इतनी देर से चोड़ा हो रहा था, जैसे मेरा डॉग आया ना भाई उसकी हवा खराब हो गई। अभी फिलहाल गाइस जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर ब्लॉक ऑफ आयरन रखते हैं, एंड फटाफट से ना गाइस मेरे को एक पहले 9x9 का एक, यार तुम ना इधर आओ, पहले साइड आओ, इनको भी बैठाना पड़ेगा, वरना मेरे को बहुत तंग करने वाले, जल्दी इधर आओ, यहाँ पर बैठ जाओ चुपचाप से, कोई भी उठ के ना जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम टू सेम इसी तरीके से 1 हो गया, 2 3 4 5 7, क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 8, हाँ 9 हो, ठीक है गाइस, अभी ये बन चुका है अपनी ग्राउंड का जो पेयर है वो बन गया है, अभी जल्दी से मैं इसे पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैंने अपने थ्रोन की सारी लेयर्स यहाँ पर लगा दिया है, अभी जल्दी से मैं इसको इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। चलो अभी फिलहाल अपनी सारी की सारी लेयर कंप्लीट हो गई, बस एक ओके वर्किंग है, अभी जल्दी से इसके अंदर हम लोग एक आयरन डालते हैं, एंड स्ट्रेंथ का मेरे को ना यहाँ से मतलब कि पोशन आप लोग कह सकते हो, या फिर एक सुपर पावर कह सकते हो, वो मेरे को यहाँ पर लेनी है। तो स्ट्रेंथ ये वाली है, ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ सेकंड मिल रही है, चलो
ठीक है। अभी गाइस अगर मैं कुछ भी तोड़ूंगा ना, सिर्फ एक अटैक में बहुत सारे ब्लॉक्स टूट सकते हैं। मैं एग्जांपल नहीं दिखाना चाहता क्योंकि यहाँ पर ये जितनी भी चीजें बनी हुई है ना, ये सारे के सारे मेरे काम की है। तो चलो भाई तुम जल्दी से उठ जाओ, मेरे साथ आओ फटाफट से। अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा अपने थ्रोन के पास, वहां पर अच्छे से डिगिंग करने। बट उससे पहले ना गाइस मैं एक बार सोने चले जाता हूँ। ओ भाई एक सेकंड, ये सोंपी कहां से अंदर आ गया? तुम्हारी भैंस, निकल यहां से, भाग यहां से। भाई ये अंदर कहां से आया? सो जाओ भाई एक सेकंड, यहाँ ना कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार। पता नहीं ज़ोंबी क्यों स्पॉन होते हैं इतनी ज्यादा टॉर्चेस। अच्छा वहाँ डार्कनेस है थोड़ी, इसलिए ज़ोंबी स्पॉन हो रहे हैं। बट गाइस यार देखो, बिना मेरे को दिक्कत ये लगती है कि आयरन गोलम ना ऊपर स्पॉन होता है इसके। भाई पता नहीं क्या सीन है, विलेज मैंने इधर बना रखा है, आयरन गोलम ऊपर स्पॉन होता है। मैं पता क्या इसका क्या करूंगा कि जो विलेज है ना गाइस, घर के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो पोलर बियर वाला ना, इसको तोड़ के मैं अपने कासल के पीछे ले जाऊंगा और इसी जगह पर मैं अपना विलेज बना दूंगा। क्योंकि और छोटे छोटे ना हट बना दूंगा जैसा एक नॉर्मल विलेज होता है, क्योंकि यार यहाँ पर ना विलेज अच्छा नहीं है, मेरे को बेकार लगते हैं मेरे कासल में आके लेटे हुए हैं। वैसे मेरा कासल नहीं है, सबका कासल है। तो मैं जा रहा हूँ एक कासल के लिए बढ़िया सा बंकर बनाने। और हाँ गाइस, बेडरॉक को तोड़ने के लिए ना मुझे कुछ कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि हमें एक पिस्टन चाहिए, एक ऑब्सीडियन चाहिए, और मेरे को एक लीवर चाहिए, एंड कोई भी एक नॉर्मल सा ब्लॉक चाहिए। बाकी मेरे को और हाँ टीएनटी चाहिए काफी सारे। तो मैंने गन पाउडर, ओके ठीक है, मैंने गन पाउडर काफी सारा कलेक्ट करके रखा हुआ है। 64 ये रहा, 64 ये रहा, मतलब बहुत सारा गन पाउडर था मेरे पास। अभी भी कितना सारा उस वाली चेस्ट में रखा हुआ है, मतलब कि यार जितनी भी मेरी चेस्ट बाहर थी ना, वो मैंने सारी की सारी ना इधर लाकर रख दिया। भाई उसके अंदर फालतू का सामान इतना पड़ा हुआ है ना भाई, मतलब इसके अंदर से इतना गन पाउडर मेरे को मिला है, मैं क्या बताऊं। क्रीपर जाओ, इसका मुंह तोड़ दो जल्दी से, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने अभी देखो, क्रीपर नहीं सॉरी, तुम जाओ भाई, क्या चूरन हो क्या? हेलो, इसको मार क्या हो भाई यार। चलो कोई नहीं, मैं खुद ही मार दिया। इसके अंदर भाई भर के माल पड़ा हुआ है। खैर मैं यहाँ पर क्या ही करने आया हूँ। गाइस जल्दी से हम लोग टीएनटी बनाते हैं। और ये मैं बेड कहाँ से लेकर आ गया? हेलो, अच्छा ठीक है, तो बेड मेरे पास था। गाइस एक काम करता हूँ, पहले ना मैं सो जाता हूँ भाई, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने यहाँ पर दो नई चेस्ट बनाकर इनके अंदर जितना भी फालतू का सामान था ना, वो सारा का सारा डाल दिया है। अभी ना फिलहाल जल्दी से पहले यहाँ पर इन ब्रेड को चबा के मैं अपनी हेल्प फुल करता हूँ, और फटाफट से ना गाइस यहाँ पर जितने भी टीएनटी पॉसिबल है मैं सारे के सारे क्राफ्ट कर लेता हूँ। वैसे यार मुझे ना ज्यादा ओके 16 टीएनटी बन गए मेरे हिसाब से, इतने बहुत है। हमें ना गाइस एक बेडरॉक को तोड़ने के लिए दो टीएनटी चाहिए होंगे, बाकी मेरे को भी पिस्टन। यार मैं सबकी रेसिपी कैसे भूलता जा रहा हूँ यार। हाँ ठीक है, देखने के बाद मेरे को याद आ जाती है। तो मेरे को भी कुछ प्लैंक्स चाहिए ताकि मैं पिस्टन, मेरे पास एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बस हाँ एक ही पिस्टन चाहिए हमें, ज्यादा पिस्टन नहीं दो चाहिए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने वो सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लिया है जो कि हमें एक बेडरॉक तोड़ने के लिए चाहिए होता है। तो मैंने ले लिए थोड़ी बहुत कोबलस्टोन्स, दो पिस्टन चाहिए होते हैं पर मैंने चार ले लिया इमरजेंसी के लिए, और कुछ टीएनटी ले लिए मैंने यहाँ पर। वैसे एक बेडरॉक को तोड़ने के लिए दो टीएनटी चाहिए, तो मैंने 16 टीएनटी लिया है, यानी मैं 8 बेडरॉक अभी तोड़ सकता हूं, बाकी कम पड़ेंगे तो और ले लेंगे। और हमें एक लीवर चाहिए और एक ऑब्सीडियन चाहिए, पर मैंने फिर भी यहाँ पर चार ले लिए। वैसे मैं कुछ ज्यादा आइटम लेकर चलता हूँ, कुछ पता नहीं है कब कुछ लावा में गिर जाए। वैसे नीचे हाँ लावा हो सकता है, तो थोड़ा बहुत मेरे को बचकर रहना पड़ेगा। फिलहाल पहले नीचे पोस्ट हैं फिर देखते हैं। अभी फिलहाल यहां पर मेरे पास ना स्ट्रेंथ लगी पड़ी है, अभी जल्दी से ना गाइस हम लोग यहां पर एक पहले बढ़िया सा बंकर बना दे। तो बंकर का जो रास्ता है वो अपना ये रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं इसको तोड़ देता हूं, ये चेस्ट में कुछ, हां ठीक है, मैं दोबारा इसलिए चेक कर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अंदर कुछ पड़ा हो। चलो ठीक है, अभी इसको मैंने तोड़ दिया है। और गाइस ये अपने थ्रोन का सेंटर है, एकदम बैक से ये डर्ट कहां से निकल रहा है गाइस? भारी भारी काम हो चुका है, आप टेंशन मत करो यार। मतलब बेकार अपना कासल में बता रहा हूं ना, बस बार बार से ही बढ़िया लग रहा है, अंदर से भी हम करेंगे। मतलब बार बार कुछ ज्यादा ही काम कर दिया है, अंदर एक खोखला ही देखो, दीवार है देखो भाई कहां जा रही है। अगर कल को बंदा ऊपर हल्का सा डिग करे सीधा पानी में जाके गिरेगा। तो फिलहाल ये देखो यार अपनी कितनी तेज काम कर रही है पिकैक्स। एक सेकंड, मैंने हाथ में टॉर्च ले लेता हूं। और अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग, एक सेकंड यार, मैं ना शील्ड विल्ड पहन लेता हूं, कुछ नहीं शील्ड, हां इलाइट्रा की भी जरूरत नहीं है, इलाइट्रा हटाते हैं, ये पहनते हैं एंड मैं हेलमेट भी पहन लेता हूं। अब करते हैं गाइस माइनिंग फुल स्पीड में। और गाइस ये जो माइनिंग है ना, मैं एकदम पतली लेन में नहीं करने वाला हूं, मींस गाइस ये जो मैं डिगिंग करने वाला हूं ना, ये एक 4x4 डिगिंग होने वाली है, ताकि काफी ज्यादा स्पेस रहे हमें अपने बंकर में जाने के लिए। तो यहां पर 1 2 3 4 हो गए ऐसे में, बाकी मेरे को सेम टू सेम ऐसे करने हैं, 1 2 एंड 3 इस तरफ और 4 इस तरफ। ठीक है, अभी हमें एक बढ़िया सा स्पेस मिल चुका है, अब बस हमें यहां पर इसे नीचे तक डिग करता हुआ जाना है। एक बार मैं दोबारा से गैप चेक, हां ठीक है ये वाले ब्लॉक रह गए, अब यहां पर बढ़िया रहेगा। तो गाइस देखो डिगिंग करते समय ना मेरे को दो चीज का पूरा ध्यान रखना होगा। पहली है कि कहीं मेरी पिकैक्स की हेल्थ ना खत्म हो जाए, क्योंकि ये टूट जाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी तक अनब्रेकिंग नहीं लगा रखा है, मेंडिंग मैंने इसके अंदर लगा दिया है। और दूसरी चीज का ध्यान मेरे को ये रखना है, यार ये डॉग्स दिमाग खराब कर रहे हैं। हाँ, तो दूसरी चीज का ध्यान मेरे को ये रखना है कि कहीं झटके से लावा ना आ जाए, और मैं लावा में जाके गिर गया तो पिकेक्स छोड़ो, सब चीज का काम खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा मेन मेरी स्वॉर्ड भाई, सच्ची में काफी ज्यादा तगड़ी है। एंडर ड्रैगन का भूत इसी से बना था, गंदे वाला। बाकी भी फिलहाल नहीं, वैसे एंडर ड्रैगन का भूत हमने अपनी बॉस से बनाया था यार, बट स्वॉर्ड भी काफी अच्छी है यार। डॉग्स को मार दूंगा, तुम यहीं बैठो, तुम नहीं चलोगे नीचे, मैं अकेले कर लूंगा, भाड़ में जाओ। नहीं है मॉब्स भाई, दिमाग खराब कर दिया यार, बार बार ही ना वहीं आके खड़े हो जाए जा रहे हैं। अच्छा ये ऐसे, चलो ठीक है, इस तरीके से नीचे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब यार पूरे में नाचे ना ना कम से कम। बाकी भी फिलहाल मैंने बहुत ज्यादा गंदी तरह इस जगह को पूरा का पूरा डिग कर डाला है। ये देखो भाई अब बस लावा आ गया ना तो डॉग बिल्कुल भी भाग नहीं पाएंगे, सीधा उसी में जाके बेचारे बैठे रह जाएंगे। बट कोई नहीं, तुम्हारा भाई इन्हें बचा लेकर जाता है ऐसे करके। मैं लीड भी नहीं लेकर आया, ये गंदी तरह मरेंगे। बाकी एक बार आप लोग ऊपर की तरफ में देखो मैंने कितना ज्यादा डिग कर दिया है। अभी फिलहाल कोई नहीं, करते रहते हैं। यहाँ पर कोबलस्टोन तो मैं सारा कलेक्ट कर ही ले रहा हूँ, अगर शल्कर बॉक्स लेकर आता ना तो सारा मैं उसमें रख लेता। वैसे गाइस यार मैंने ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तेज माइनिंग करने के लिए मुझे हेस्ट नहीं चाहिए थी और मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ स्ट्रेंथ। वही मैं कहूँ यार ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है अभी ना गाइस, जल्दी से हम लोग वापस से ऊपर चलते हैं। भाई अलग ही दिमाग खराब हो गया। बट कोई नहीं, वैसे अपना ज्यादा टाइम अभी खराब नहीं हो, अभी तो बहुत ज्यादा नीचे तक जाना है। सही टाइम पर मेरे को पता चल गया क्योंकि अभी असली माइनिंग तो अभी स्टार्ट होगी। अभी मैं बिल्कुल जरा सा नीचे आया था, अभी इसके 10 गुना नहीं 10 गुना हमें और जाना पड़ेगा नीचे। बाकी यार ये वाली ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ऊपर जाने की, आप लोग को शायद से पता होगी। बाकी एक मिनट रुक जाओ, यहाँ का एक मेरे को ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा तभी मैं सही से जा पाऊंगा। रुको ठीक है, मैं इसको पूरा तोड़ डालता हूँ ऊपर तक ताकि मैं सीधा अपने थ्रोन के बाहर ही निकल जाऊँ। इसको और ऊपर डालते हैं, लेट्स गो। ओके ओके ओके, यहाँ का मेरे को ब्लॉक तोड़ना है बस। अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये आवाज कैसी आ रही है भाई, ये आवाज कैसे आई पता नहीं यार। छोड़ो कोई नहीं, जल्दी से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। मेरे को तो ये भी नहीं पता मैं अंदर कहाँ से आया था यहाँ। ठीक है तो यही वो जगह है ना, लेट्स गो। अभी फिलहाल यहाँ पर भी मैं पानी डालता हूँ एंड फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और जल्दी से मैं अपने थ्रोन पे चल करना, वहाँ से हेस्ट वाली वो लेकर आता हूँ। भाई गलती से इन हो गया यार, मैं इतना खुश हो गया था कि यार मैं पूरा उसे को मैं मूव कराया किस लिए भाई, मेन तो एबिलिटी यूज ही नहीं करी। जल्दी से गाइस हम लोग ऊपर चलते हैं। और वैसे गाइस मुझे ना कमेंट में जाकर ये बताना कि अभी जैसे ये मेरा ना आयरन का बना हुआ है, ठीक है, ये जो अपना पूरा का पूरा थ्रोन के जितनी भी लेयर्स आयरन की, अगर मैं इसको डायमंड का बनाता हूं तो क्या होगा, और मतलब कि इसकी ये हमें 2 की जगह 3 की मिल जाएगी या फिर क्या होगा, मेरे को कमेंट में बताना। और अभी लेयर भी पूरी कंप्लीट नहीं है, बट कोई नहीं हमें ज्यादा रेंज नहीं चाहिए। शायद से कोई एक आध ब्लॉक मेरे को लग रहा है मिस हो गया यहां पर, पता नहीं यार। छोड़ो भी फिलहाल उतना यूज है नहीं। जल्दी से गाइस हम लोग ना यहां पर हेस्ट के टूल लेते हैं एंड फटाफट से चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर मेरे को आयरन डालना पड़ेगा और ये भी मेरे को बताना कि यहाँ पर अगर मैं आयरन की जगह नेदरराइट डालूंगा तो क्या होगा, पता नहीं यार। शायद से थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए मिल जाएगी, बट अभी फिलहाल हम लोग इसकी रेंज में ही रहेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए। जल्दी से गाइस हम लोग ना यहाँ से चलते हैं नीचे। और बाकी काफ़ी सारी स्पाइडर है और को तुम्हारी भैंस निकल यहाँ से, एक लाओ एक्सपी लाओ थोड़ी सी, मेरी पिकेक्स रिपेयर हो जाए इसी बहाने। फटाफट से इसको मैं बंद करता हूँ एंड गाइस जल्दी से चलते हैं अभी हम लोग नीचे। तो यहाँ पर अभी मैं पानी से डायरेक्ट जंप मार दूँ या नहीं यार, रिस्क होगा। एक मिनट हो गया, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा जंप, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ज्यादा ओ वाह मैंने कर दिया, ठीक है। कभी कभार ना अजीब सा हो जाता है, रह जाता है। जल्दी से ओ भाई ये क्या स्पीड आई है, मैं इतनी देर से क्या कर रहा था। स्पीड देखो गाइस, ये देखो भाई जैसे उसमें वो नहीं टूटते क्या कहते हैं, ये तो गलत टूट रहा है भाई, आराम आराम से टूट रहा था ना, एकदम क्लियर काम हो रहा था। पर अभी ना कुछ ज्यादा ब्लॉक टूट जा रहे हैं, रुक जाओ कोई नहीं। तो गाइस यार देखो पूरे रास्ते में इतने ज्यादा क्लियर तरीके से तमीज में काम करता आया हूँ ताकि एक बढ़िया सा बंकर का रास्ता बने। पर जैसे ही मैंने इस हेस्ट एबिलिटी को लिया है यहाँ पर देखो भाई क्या ही कचड़ा मच गया भाई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कौन सा ब्लॉक, मतलब तोड़ना मैं एक चाह रहा हूँ टूट दो चाह रहे हैं, उसी चक्कर में पूरी पूरी लुक खराब हो जा रही है। बट कोई नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये एबिलिटी मेरे लिए अच्छी है बेकार है, तो भी कोई नहीं इसको आराम आराम से। बट हाँ इससे अपना काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा, नहीं यार वो भी नहीं बचेगा क्योंकि मेरे को ठीक तो करनी पड़ेगी ना बाद में। ओह मेरे तुम निकलो यार, तुम्हारी तुम भगव यहाँ से, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, मार दोगे इनको, नहीं यार छोड़ो मारना नहीं चाहिए, अपनी मदद करने आए हैं वो। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल मैं डिग करते करते काफी ज्यादा नीचे तक आ चुका हूं और मुझे पता है क्या लग रहा है कि अभी ना शायद से वो जो हेस्ट की एबिलिटी थी ना वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि थ्रोन की भी ना गाइस एक शायद से रेंज होती है 360 और जब हम लोग उस रेंज के बाहर निकल जाते हैं ना तो फिर उसका जो बचा कुचा टाइम होता है 10-15 सेकंड का वो इतनी देर के लिए चलता है, उसके बाद वो एबिलिटी चले जाती है जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ। बाकी अभी ना गाइस मेरे को यहां पर लावा की आवाज आ चुकी है, मेरी इस टाइम पर शायद से वो जो एक्सिस चल रही है ना मतलब कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस के वो आ चुके होंगे। एक बारी मैं चेक ही कर लेता हूं कितने आ गए। ओके 16 पहुंच चुका हूं मैं और 12 पर पहुंचने के बाद हो सकता है अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो मैं डायमंड्स भी मिल जाएंगे। वैसे अभी मेरे को डायमंड का उतना नहीं यार लालच है, मैं बोलने जा रहा था मेरे को लालच नहीं है, पर हां भाई डायमंड यार होना चाहिए थोड़ी सी अच्छी लुक। ओ भाई ये क्या था, एक सेकंड शायद से ओ सिल्वर फिश, एक सेकंड यार यहां पर नीचे कुछ है। ओ मैंने अपने डॉग के रैप्टा बचा दिया भाई। हेलो कितनी है भाई, यहां तो कुछ ज्यादा इन्फेस्टेड कोबलस्टोन ऐसे यहां पर भी होते हैं क्या भाई, यहां पर इन्फेस्टेड कोबलस्टोन क्या कर रहा है पता नहीं। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ पर और भी है मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, नीचे कुछ खतरनाक चीज तो नहीं है अपने कासल के, पता नहीं। नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अभी ना मेरे को यहाँ पर काफी सारी सिल्वर फिश की आवाज आ रही है तो मैं थोड़ा ना तमीज में जाने वाला हूँ, मेरे को लग रहा है ऐसे नॉर्मली होते होंगे। ओ वाह यहाँ पर रेड स्टोन है, जल्दी से कलेक्ट करता हूँ। वैसे रेड स्टोन का भी कोई जरूरत नहीं है बट कलेक्ट कर लेते हैं भाई, मैं डर गया कि ये क्या हुआ।
ओके गाइस लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बेडरॉक तक और अपनी किस्मत गाइस काफी ज्यादा अच्छी थी, हमें बीच रास्ते में यार लावा देखने तक को नहीं मिला। मेरे को आवाज आई थी बट हाँ सच्ची में मिला नहीं। अभी फिलहाल जल्दी से मैं यहाँ पर पूरा का पूरा डिग कर डालता हूँ ताकि ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेडरॉक ही हमें नजर आए और ये जो बाकी ब्लॉक्स है ना इनको मैं हटा देता हूँ। भाई फाइनली अब हम लोग अपना बंकर बनाने जा रहे हैं। और हाँ जिन लोग को नहीं पता कि गाइस बेडरॉक शायद से ना काफी सारे लोग को नहीं पता होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये जो स्टोन आप देख पा रहे हो ना ये माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा हार्ड स्टोन है। ऑब्सीडियन आता है वैसे बट ये उसके से भी ज्यादा खतरनाक है। ये देखो इसमें एक आध घंटा का पूरी की पूरी जिंदगी भी बिता दोगे ना ऐसे पिकेक्स मारते हो भी नेदरराइट की चाहे कोई भी एन्चेंटमेंट लगा लो ये नहीं टूटने वाला। इस पे 100 टीएनटी रख दो तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ना गाइस ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्टोन है। अब इसके अगर हम लोग नीचे चले गए ना इसको तोड़ के तो दुनिया खत्म है, वहां पर नीचे कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको वो तोड़ के भी दिखाने वाला हूं। सिल्वर फिश आ गई। मेरा डॉग ना गाइस ऊपर ही अटका रहेगा। वो देखो बेचारा वहां पता नहीं तेरी भैंस की निकल यहां से। भाई नीचे काफी सारी है यहां पर लग रहा है सिल्वर फिश बट कोई नहीं अपना का इस काम हो चुका है यहां पर। अच्छा डॉग मेरा नीचे आ गया। वही मैं सोचूं एक डॉग ऊपर है एक डॉग नीचे कैसे आ गया भाई दो कैसे हो गए वापस से। बाकी तो यार यहां पर काफी सारा बेडरॉक है तो मुझे ना गाइस काफी सारे टीएनटी लाने चाहिए थे तो मैं इन बेडरॉक को तोड़ के ना एक फ्लैट सरफेस बनाऊंगा। तो बेसिकली हमें बेडरॉक के नीचे नहीं जाना है क्योंकि नीचे कुछ होता नहीं है। वहां पर जो चला गया वो समझ लो मर गया सारा सामान बर्बाद कुछ नहीं मिलने वाला तो इसलिए वहां पर जाने की मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। बट हां ये जो बेडरॉक है ना इसको तोड़ के मैं एक फ्लैट सरफेस बनाऊंगा तो मुझे काफी सारे तोड़ने पड़ेंगे। बट तोड़ने से पहले ना गाइस यहां पर मैं एक बड़ा सा रूम बना लेता हूं क्योंकि गाइस जब टीएनटी ब्लास्ट होंगे ना इस बेडरॉक को तोड़ने के लिए तो मुझे थोड़ी बहुत भागने की जगह चाहिए होगी कहीं मेरी एचपी ना चले जाए और मैं उस टीएनटी से मर ना जाऊं। वैसे अगर मैं मर गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं यहां से मेरा सामान कहीं पर भी जाने नहीं वाला। अगर लावा ना आया तो अगर लावा आ गया तो समझ लो सारी तबाही मच जाएगी। तो फटाफट से गाइस हम लोग यहां पर जल्दी से एक रूम बनाते हैं। बाकी यहां पर काफी सारी सिल्वर फिश है जो कि मेरा दिमाग चाट रही है। लेट्स गो गाइस। अभी ना फिलहाल इधर के मैंने सारे के सारे आलतू फालतू स्टोन तोड़कर एकदम बढ़िया सा रूम बना लिया है। तो बिना जल्दी से हम लोग यहां पर ना पहले कुछ टॉर्चेस प्लेस कर देते हैं ताकि यहां पर थोड़ी सी रोशनी हो जाए और हमें सब कुछ नजर आने लग जाए। तो ये देखो गाइस यहां पर जितना भी बेडरॉक है कुछ इस टाइप का है तो मुझे इसे तोड़ने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तब जाकर ये एक फ्लैट सरफेस बनेगा। और ये वाला जो आप ब्लॉक देख पा रहे हो ना इस ब्लॉक को तोड़ते ही सीधा आपको माइनक्राफ्ट के नीचे की दुनिया दिखने वाली है जहां पर अगर कोई बंदा चला गया तो वो कभी वापस नहीं वापस तो आ जाएगा पर हाँ मर जाएगा बड़ी आराम से। बट अभी फिलहाल जाए गाइस जल्दी से हमें ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक चीज लाना भूल गया हूं और वो है ट्रैप डोर। तो मेरे पास कुछ रॉकेट्स हैं एंड इलाइट्रा मेरे पास है ही तो जल्दी से इलाइट्रा रखते हैं एंड फटाफट से ना गाइस हम लोग ऊपर चलते हैं। ओ मैं बस भिड़ ना जाऊं। ओ नहीं 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 भाई ओ कितना सही मैं ऊपर आ गया हूं। ठीक है मैं यहां पर वाटर बकेट यूज कर लूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो लेट्स गो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने पानी ऊपर की तरफ में भी डाल दिया है और अब मैं अपने कासल में एकदम आराम से आ जाऊंगा। तो चलो यार अभी ना फटाफट से चलकर हम लोग अपने क्राफ्टिंग टेबल से बना लेते हैं एक ट्रैप डोर। और बाकी हाँ एक ट्रैप डोर ही मिस हो गया था बाकी तो मैंने सब कुछ यहाँ पर बना ही लिया है। तो ट्रैप डोर के लिए हमें थोड़ा बहुत प्लैंक ओके तो मैं आयरन का तो नहीं बनाना। हाँ तो मैं काफी सारे वुड प्लैंक्स चाहिए होंगे तो वुड के प्लैंक्स मेरे पास काफी सारे पड़े थे बट अभी मेरे को नजर नहीं और अब मेरे को नहीं मिलने वाले। ओके लेट्स गो ट्रैप डोर ही पड़ा हुआ है यहाँ पर चलो ठीक है। और हमें गाइस अभी कुछ भी नहीं चाहिए और बाकी यहाँ पर मेरे पास ना अभी काफी सारा गन पाउडर और है और अगर मेरे को यहाँ से और सैंड मिल जाता है तो मैं यहाँ पर टीएनटी और बना सकता हूँ। तो यार एक काम करता हूँ यहाँ पर ढूंढने से बढ़िया ना मैं इतनी देर में कलेक्ट ही कर ले आता हूँ। अपने पास जो शवल है ना काफी ज्यादा पावरफुल है और जहां मेरे को सैंड दिख गया ना तो एक ही बार में इतना ज्यादा कलेक्ट कर लूंगा ना पूरा का पूरा स्टैक भर देंगे। चलो ठीक है यहाँ पर काफी सारा सैंड है अभी मेरे को इतना ज्यादा इसीलिए कलेक्ट कर रहे हैं ना क्योंकि गाइस ओ भाई साहब ये देखो स्पीड देखो गाइस अपनी एक बार आप लोग शवल की भाई इतनी ज्यादा तेज स्पीड में टूटेगा मेरे को पता नहीं था बट ठीक है अभी काफी सही है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं एक दूसरी जगह पर आ चुका हूँ सैंड कलेक्ट करने के लिए क्योंकि उस तरफ में ना काफी सारा पानी आ गया था तो कलेक्ट करना मुश्किल हो गया था। बाकी यहाँ पर ना जल्दी से हम लोग इसे तोड़ते हैं और फटाफट से कलेक्ट करके यहाँ से निकलते हैं। ऐसा पता है क्या लग रहा है कि जैसे मेरी गेम लैग हो रही हो क्योंकि अपनी जो शवल है ना इतनी ज्यादा फास्ट अटैक कर रही है। इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है? ओके एक सेकंड ये वाली शवल है ना कहाँ चली गई? हेलो हाँ ये एफिशिएंसी 3rd है इसके अंदर। बाकी जो मेरी दूसरी शवल है ना शायद से वो इससे भी ज्यादा तगड़ी है तो ठीक है। यहाँ पर ये भी मैंने सारा कलेक्ट कर लिया है और पीछे का मैंने इसीलिए नहीं छोड़ा ताकि पानी ना आ जाए। बाकी मैं कॉबलस्टोन फेंकता हूँ सैंड कलेक्ट करता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने हद से ज्यादा सैंड कलेक्ट कर लिया है मुझे इतनी ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। अभी ना जल्दी से हम लोग अपने कासल पर वापस चलते हैं एंड फटाफट से इन सभी सैंड से हम लोग बना लेते हैं। बाकी यार देखो पीछे की साइड में ना यहाँ पर काफी सारे फार्म वार्म बनने वाले हैं। पांडा जो लेकर आया उनके लिए भी बहुत बढ़िया सा यहाँ पर एक जंगल टाइप में बना दूंगा जिसके अंदर काफी सारे बैम्बूज होंगे। भी फिलहाल यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और बहुत से लोग कह रहे थे कि आपके कासल में यार काव वगैरह कुछ है नहीं फार्मिंग वार्मिंग है नहीं स्टार्ट होगी। मैं
उसी का वेट कर रहा हूँ। मेरे को भी बहुत मन है फार्मिंग की स्टार्ट करने का, बट करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर ये जो पिकेक्स है ना, इसकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, तो मैं इसे ऊपर रख देता हूँ। और जितने भी अभी यहाँ पर मॉब्स आएंगे उनको मार के जो एक्सपी मिलेगी उससे मैं इसे रिपेयर करता रहूंगा। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी कासल के इन्वेंटरी रूम में आ चुका हूँ। जल्दी से हम लोग ना यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल के अंदर जितना भी टीएनटी पॉसिबल है सारा का सारा बना लेते हैं। मेरे को ना थोड़े बहुत और गन पाउडर होता ना मेरे पास तो बहुत ज्यादा ही बन जाता। अभी 17 हो गए हैं तो यहाँ पर मैं सारे के सारे बनाने वाला हूँ। तो ओके गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि सैंड ना मैंने कुछ हद से ज्यादा ही कलेक्ट कर लिया है। मेरा सारा का सारा गन पाउडर खत्म हो चुका है, 33 टीएनटी बन गया है। अगल बगल जो चेस्ट में गन पाउडर था वो भी मैंने लाकर यहाँ से टीएनटी बना लिया है। बाकी सैंड अभी भी काफी ज्यादा बच गया है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में काम आ जाएगा। सबसे ज्यादा काम आता है ग्लास बनाने के लिए, तो उसी में मैं इसे यूज कर लूंगा। अभी ना फिलहाल गाइस जल्दी से हम लोग नीचे चलते हैं। बाकी यार बेड रोक है ऊपर नीचे है, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर मैं पहले वाटर पहले डाल देता हूँ, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, देन एकदम आराम आराम से नीचे जाएंगे बिना किसी रिस्क के। क्योंकि यार बेड रोक ना थोड़ा ऊपर नीचे, प्लेन सर्फेस हो तो आराम से जंप मार दो। बाकी लेट्स गो, अभी फिलहाल हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं इस बेड रोक को तोड़ने वाला हूँ। बाकी यार देखो, ये ग्लिच है या फिर कोई ट्रिक है मुझे नहीं मालूम, बट हाँ ये सही है तो आप लोग मुझे कमेंट बताना। बाकी ये नहीं करनी चाहिए तब भी बताना, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि यार इसको वैसे नहीं यार कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर से कोई दिक्कत होती ना तो माइनक्राफ्ट वाले इसे खुद ही ठीक कर देते। ये एक टाइप से ट्रिक ही होगा। चलो ठीक है, अभी ना गाइस देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी इनको काफी सारे बेड रॉक तोड़ने पड़ेंगे इस पूरी की पूरी एरिया को प्लेन सरफेस बनाने के लिए, तभी हम लोग यहाँ पर अपना रूम बनाएंगे। तो एक तोड़ने में ना काफी ज्यादा टाइम लगता है, मतलब काफी ज्यादा तो नहीं, एक नॉर्मल के हिसाब से काफी टाइम लगता है। तो ये देखो गाइस, अभी ये पानी खत्म हो जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ, भाई ये तो बहुत टाइम लगेगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल मैंने वो सारा का सारा सामान ले लिया है जो कि हमें एक बेड रॉक को तोड़ने के लिए चाहिए होता है। ऑब्सीडियन पिस्टन, लीवर, टीएनटी, ट्रैप डोर एंड एक कोई भी नॉर्मल सा ब्लॉक तो मैंने यहाँ पर ले लिया, कॉबलस्टोन। तो अब देखो हमें क्या करना है। मान लो कि जैसे मैं ये वाला बेड रॉक तोड़ना है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको ना मार्क करने के लिए यहाँ पर एक टॉर्च प्लेस कर देता हूँ। तो ठीक है, हमें ये वाला बेड रॉक तोड़ना है, तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ना गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर रखना है हमें एक पिस्टन, उसके लेफ्ट साइड में हमें रखना है ऑब्सीडियन, यहाँ पर मैं ऑब्सीडियन रखता हूँ, एंड उसके भी लेफ्ट साइड में हमें रखना है एक और टीएनटी, और फिर ये वाला जो पिस्टन है इसके ऊपर हमें रखना है एक और टीएनटी, और उसके बाद गाइस हमें यहाँ पर रख देना है कोई भी नॉर्मल सा ब्लॉक। तो यहाँ पर मैंने कॉबलस्टोन रख दिया। बाकी वाला जो लीवर है ना गाइस, इसको मेरे को यहाँ पर प्लेस कर देना है। अब गाइस देखो, यहाँ पर ना मैं एक प्लेन सरफेस बना लेता हूँ, वैसे वो अपने ऊपर ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग नॉर्मली कर पा रहे हैं या फिर नहीं, तो मैं प्लेन सरफेस लगा लेता हूँ वैसे। बाकी ये वाला जो ट्रैप डोर है ना गाइस, हमें इसे लगाना है यहाँ पर नीचे, और एक पिस्टन गाइस हमें अपने हाथ में होल्ड करके रखना है। अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपकी एचपी ना ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि आपके अगल बगल दो दो टीएनटी ब्लास्ट होने वाले हैं, तो हो सकता है कि आप मर भी जाओ इसमें। नहीं वैसे उतनी ज्यादा एचपी नहीं रहेगी, क्योंकि अपने ऊपर ना ट्रैप डोर का कवर रहेगा। तो आप लोग ना बस ये चीज नोटिस करके रखना है कि ये जो मैंने ट्रैप डोर लगाया ना, ये ऑब्सीडियन की अपर साइड पे लगाया है, ना कि ऊपर वाले स्टोन की लोअर साइड पे। ठीक है, तो अभी मेरे को बस यहाँ पर क्या करना है, जो ट्रैप डोर है इसे क्लोज करना है, इसके आगे जाना है, हाथ में ये वाला जो पिस्टन है ना होल्ड होना चाहिए, ये बात याद रखना। ठीक है, अब बस मैं बोलते जाऊंगा, देखते जाना, जैसे वाला टीएनटी होगा मैं यहाँ पर इसके नीचे आके लेट जाऊंगा, और ये वाला जो लीवर है ना गाइस मेरे को इसे प्रेस करना है, उसके बाद क्या होगा, ये वाला टीएनटी भी ब्लास्ट मोड में आ जाएगा, ये वाला टीएनटी भी ब्लास्ट मोड में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इधर आकर ना इस जगह पर आकर सीधा टीएनटी ना प्लेस कर देना कुछ भी करके। ये जैसे टीएनटी ब्लास्ट हो गया ना, तुरंत अगला टीएनटी मतलब कि टीएनटी नहीं पिस्टन यहां पर प्लेस हो जाना चाहिए। अब मैं आपको कर दिखाता हूं, मैं भी 100% श्योर नहीं हूं कि मैं एक बार में कर पाऊंगा या फिर नहीं, बट हां तुम्हारे भाई की कोशिश पूरी रहेगी। तो जल्दी से इसे मैं ऑन करता हूं, और यहां पर ना गाइस अभी मैं इसे प्लेस कर दूंगा फुल, मैं एकदम दबा के क्लिक कर रहा हूं। ओके, तो ये ब्लास्ट हो गया है, और अभी फिलहाल शायद से ओके गाइस, पता नहीं यार ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, एक सेकंड यार शायद से हाँ हमें ये वाला ब्रेक होएगा, एक सेकंड रुक जाओ मैं वो टेस्ट करता हूँ। इसके नीचे का बेडरॉक टूटा होना चाहिए, जल्दी से ना गाइस मैं इसको एक बार ही ना तोड़ कर देख। ओ लेट्स गो गाइस, ये देखो अभी ना देखो यही वाला मैंने मार्क करा था, देखो टॉर्च भी हमें कलेक्ट हो गई है। अब जैसे कि मान लो हमें इस ये वाला तोड़ना है, इसके नीचे वाला, भाई तुम्हारे भाई ने एक ही बार में कर दिखाया। वैसे हाँ गाइस एचपी की टेंशन नहीं करनी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था हमारे ऊपर ना ट्रैप डोर का कवर रहेगा तो हम लोग बच जाएंगे, तो सेम टू सेम वही हुआ और ये वाला जो बेडरॉक है टूट गया। अभी ना गाइस जल्दी से काम करते हैं, हम लोग ना एक और बेडरॉक तोड़ते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं एक बारी वापस से ऊपर गया था अपने कासल में कुछ लीवर्स क्राफ्ट करने के लिए, क्योंकि यार मुझे ये नहीं समझ आया कि जब मैंने यहाँ पर ब्लास्ट करके ये वाले बेडरॉक को फोड़ा था तो आखिरकार अपना लीवर कहाँ पर चला गया था। मतलब मैं इतनी तेज क्लिक कर रहा था कि जो मेरे पिस्टन थे ना वो यहाँ पर प्लेस हो गए थे। जब ब्लास्ट होने लगते हैं ना टीएनटी, उस टाइम पर हमें बहुत तेज क्लिक करने पड़ेंगे फुल स्पीड में, जितने दम है वो लगा देना, अपना क्लिक का ना बटन चेंज कर देना, माउस के क्लिक से बढ़िया कोई कीबोर्ड का बटन वहां पर सिलेक्ट कर लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी ना फिलहाल गाइस जल्दी से हम लोग एक और काम करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने पहले करा था सेम टू सेम वैसे करना है। अब जैसे हमें ये वाला बेडरॉक तोड़ना है, तो सबसे पहले ना इस
ऑब्सीडियन को हम लोग ना यहाँ से हटाते हैं, तो जो भी हमें बेडरॉक तोड़ना है ना, मैं एक और तोड़कर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ना आप लोग को ये पता चल जाए कि जो ट्रिक है वो 100% काम करती है। तो यहाँ पर अब मान लो कि हमें ये वाला तोड़ना है, तो इस जो भी हमें तोड़ना है उसके ऊपर हमें बस इस वाले ऑब्सीडियन इस पिस्टन को रखना है, देन उसके लेफ्ट साइड में हमें रख देना है ऑब्सीडियन को। तो उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसको गाइस हम लोग उठा के रख देते हैं ऑब्सीडियन को इस साइड पर, और उसके बाद हमें इस साइड पर रखना है इस टीएनटी को, फिर एक टीएनटी इसके ऊपर, और यहाँ पर हमें कोई भी एक नॉर्मल सा ब्लॉक, फिर यहाँ पर हमें रखना है एक लीवर इस पर अटैच करके, और बाकी नीचे की साइड पर ना एक बढ़िया सा हमें सरफेस बना लेना है ताकि हम लोग थोड़ा सा ना बच जाए। वैसे हेल्थ तो बिल्कुल भी नहीं जा रही है, ठीक है। अब बस यहाँ पर हमें लगाना है ट्रैप डोर, ट्रैप डोर को करना है नीचे की तरफ में, अपने हाथ में रख लेना है एक और टीएनटी कह रहा हूँ मैं, बार बार ही टीएनटी बोल देता हूँ पिस्टन को, तो अपने हाथ में टीएनटी रहना चाहिए ताकि हम लोग ना बस यहाँ पर उसे प्लेस कर दे ये वाला ब्लास्ट होते, क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट होगा ये टूटेगा, उसके बाद यहाँ पर हमें जैसे हम लोग इसे रख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। जल्दी से इसके चलते हम लोग नीचे, इसको दबाया बटन, और यहाँ पर आकर गाइस अभी दबा के क्लिक कर रहा हूँ मैं, सेकंड हो जा हो ओके लेट्स गो। अब देखो यहाँ पर टूटते ही मैंने ये वाला पिस्टन प्लेस कर दिया है, वो वाला पिस्टन यहाँ पर टूट के गया होगा। बाकी पहले मैं चेक करता हूँ मेरा लीवर सही में ब्लास्ट होएगा, पता नहीं, हाँ शायद से गाइस वो डिस्ट्रॉय हो जाता है मेरे को, नहीं 11 हो गए वापस से, पता नहीं यार वो वाला कहाँ चला गया, उड़ के लावा में तो नहीं चला गया था वो, हो सकता है ऐसा, नहीं कुछ चांसेस हैं। बाकी ठीक है, ये देखो जहाँ पर पिस्टन था ऑब्सीडियन के बगल वाला बेडरॉक टूट चुका है, मतलब ये जो ट्रिक है भाई सच्ची में अमेजिंग है। अब मान लो कि हमें इसके पीछे वैसे इसी तरीके से हमें काफी सारे तोड़कर यहाँ पर एक प्लेन सरफेस बनाना पड़ेगा। वैसे गाइस अभी ना मेरे दिमाग में काफी ज्यादा खौफनाक आइडिया आ रहा है, क्यों ना गाइस हम लोग एक ऐसा बेडरॉक तोड़े जिसको तोड़ते हमें नीचे की दुनिया नजर आ जाए। भाई नहीं सच्ची में मजा तो आएगा भाई एक बार देखने में, हम लोग वहां पर जाने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, बट फिर भी एक बार देखेंगे आखिरकार वहां पर है क्या। तो मुझे ना कोई एक बार ना ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर बस मेरा ना ट्रैप डोर, हाँ ये जगह थोड़ी, हाँ यहाँ हो जाएगा काम शायद से, हम लोग इतने में अपना ट्रैप डोर रख लेंगे। बाकी मैं यहाँ पर से नहीं 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 ये नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल हमें काफी ज्यादा बढ़िया जगह मिल गई है, अगर हम लोग इस वाले बेडरूम को तोड़ देंगे ना तो हमें इधर काफी ज्यादा बढ़िया स्पेस मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग नीचे वाले बेडरूम को भी तोड़ के माइनक्राफ्ट के नीचे की दुनिया देख सकते हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इसको फोड़ते हैं, इसको फोड़ने के लिए जिसको भी हमें फोड़ना होता है उसके ऊपर हमें रखना पड़ता है, बट हाँ उससे पहले गाइस यहाँ पर मैं एरिया थोड़ा सा ना प्लेन कर देता हूँ। तो इधर हमें रखना है अपना पिस्टन, उसके बगल में रखना है ऑब्सीडियन, उसके बगल में रखना है टीएनटी, फिर पिस्टन के ऊपर टीएनटी, फिर यहाँ पर एक कोबलस्टोन, कोबलस्टोन पे हमें लगाना है लीवर, और उसके बाद हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है कुछ ब्लॉक ताकि हम लोग बढ़िया से एकदम यहाँ पर खड़े हो पाएं। तो हाँ ठीक है, बाकी यहाँ पर हमें एक लगाना है ट्रैप डोर ऑब्सीडियन के अपर साइड पे, देन उसके बाद नीचे जाना है, हाथ में टीएनटी होल्ड करना है इसको नीचे, देन लीवर को करना है डाउन, और लेफ्ट में आके यहाँ पर धड़ाई धड़प बस क्लिक करते रहना है। रुक जाओ एक सेकंड, फुल स्पीड में ओके लेट्स गो। यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा क्लिक करने के बाद कुछ तो हुआ है, एक सेकंड मेरे को समझ नहीं आया यहाँ पर कुछ अगल बगल का टूट गया इसके। हाँ मेन हमें चाहिए कि इसका जो नीचे वाला है ना वो टूट जाना चाहिए, ठीक है एक बार ही देखते हैं। ओ लेट्स गो गाइस, ये देखो यहाँ पर ही वाला बेडरॉक टूट गया है। अभी जल्दी से ना गाइस मैं इसको तोड़ता हूँ, और अब हम लोग माइनक्राफ्ट के नीचे की दुनिया देखने वाले हैं आखिरकार वो देखने में कैसी है, ठीक है। अब जिसे हमें तोड़ना है, जैसे कि मान लो हमें ये वाला तोड़ना है, तो यहाँ पर हमें रखना है अपना पिस्टन, एक सेकंड, पिस्टन के राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में रखना है हमें ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन के लेफ्ट साइड में टीएनटी, फिर इसके ऊपर टीएनटी, देन हमें यहाँ पर रखना है एक नॉर्मल कोबलस्टोन। भाई अभी तबाही मचने वाले, मुझे नहीं पता भाई नीचे क्या होने वाला है, पर जो भी होगा बहुत ज़्यादा खतरनाक ही होगा इतना मेरे को पता है। और यार ये जगह भी थोड़ी सी दिक्कत देने वाली है यार, हमें पहले पीछे पता नहीं हो तो जाएगा, वैसे ट्राई कर लेता हूँ। बिल्कुल अभी ना एकदम जगह बची ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है सब कुछ ओके है ना, हाथ में टीएनटी, मैं ओटीएनटी कह रहा हूँ, पिस्टन होल्ड कर लेता हूँ, लेट्स गो नीचे 3, 2, 1 ठीक है। अब यहाँ पर आके बस धड़ाई धड़ क्लिक करना है इस बार। ओ मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया था, ठीक है ओके, फुल क्लिक तो करे थे, मुझे नहीं पता टूटा होगा या नहीं टूटा होगा, आंख बंद कर ली जाए इसको। ओ शिट यार ये काम नहीं करा भाई, एक सेकेंड यार मैंने इस बार ही लग रहा है या तो कोई गलती करी है या फिर शायद से मिस हो गया होगा। चलो कोई नहीं गाइस एक और ट्राई करते हैं, ट्रैप डोर को डाउन करके ट्रैप डोर के अंदर जाना है, फिर हाथ में रखना है पिस्टन, इसको करना है डाउन, और यहाँ पर भी मेरे को पिस्टन को प्लेस फुल क्लिक करके प्लेस कर ही देना। ओके लेट्स गो, अभी फिलहाल सब कुछ एकदम सेम हुआ है, अब बस मेरे को ये चेक करना है कि ये वाला जो बेडरॉक है वो टूटा या फिर नहीं। तो भाई दिस, ओ गाइस अरे तेरी, नीचे एक और लेयर है, वाओ मुझे लग रहा था कि ये लास्ट लेयर है, और इस टाइम पर अपनी एक्सिस क्या है भाई, यहाँ पर डबल डबल लेयर था। ओ भाई मैं इस टाइम पर 1 एक्सिस पे हूँ वाई कोऑर्डिनेट्स की, शेट यार मुझे लग रहा था कि इसके नीचे मेरे को वो जमीन दिख जाएगी। तो यहाँ पर ओके, तो मेरे को पहले ना इन तीनों को नहीं, इन 6 के 6 को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग नीचे का देख पाएंगे। बट कोई नहीं, अपने पास काफी सारे टीएनटी पड़े हैं, जल्दी से ट्राई कर लेते हैं।
तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिना फिलहाल इसी तरीके से काफी सारे बेडरॉक्स को तोड़कर मैंने इधर अच्छा खासा स्पेस बना लिया है 6 ब्लॉक का। और अभी ना गाइस मैं ये वाला बेडरॉक तोड़ने जा रहा हूँ और इसको तोड़ने के बाद गाइस हमें माइनक्राफ्ट की नीचे की दुनिया नजर आने लग जाएगी, जहां पर गाइस पानी भी शायद से नहीं जाता। तो चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, उसके बाद देखेंगे वहां पर क्या क्या सीन होता है। तो सबसे पहले हमें ये वाला ब्लॉक तोड़ना है, तो इसलिए इसके ऊपर रख लेंगे हम पिस्टन, उसके राइट साइड में ऑब्सीडियन, उसके राइट साइड में TNT, देन इसके ऊपर दोबारा से TNT, फिर यहां पर हम लगे ये वाला स्टोन और यहां पर हम लोग लगा देंगे एक लीवर के साथ में, फिर ऑब्सीडियन के अपर साइड पर लगेगा अपना ट्रैप डोर के नीचे जाएंगे, हाथ में करा होल्ड अपने पिस्टन, देन ये ऑन करना है और यहां पर आके बस समय धड़ाधड़ क्लिक करते रहने का, फुल स्पीड में जो क्लिक कर देगा तभी ये काम करेगा। अभी फिलहाल क्लिक तो मेरे फुल स्पीड में हुए हैं, अब बस मेरे को टेस्ट करना है कि नीचे वाला जो स्टोन है मतलब बेडरॉक है वो टूटा या फिर नहीं। तो लेट्स गो गाइस। अबे मेरा पिस्टन भी नीचे चला गया भाई, ये दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं बिल्कुल भी यहां पर नहीं जाना चाहता, इसीलिए गाइस मैंने कंट्रोल दबा रखा है ये देखो। और वैसे यहां से कुछ नीचे का व्यू मिल जाएगा इस तरीके से? नहीं यार, इस तरीके से तो बिल्कुल भी मिलने नहीं वाला व्यू। तो मेरे को ना ओगियो देखो, नीचे पूरा बैटर हो गया, काफी सही से तो नजर नहीं आ रहा। अभी ना गाइस एक बार रुक जाओ, FPP करते हैं। पूरा ब्लैक है, मुझे नहीं पता अगर मैं इसके अंदर गया तो मैं कहां पर जाने वाला हूं, बट मुझे इतना पता है कि मैं मर जाऊंगा। और इसको तोड़ के ना मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, इसको ना गाइस हम लोग वापस से ना बंद कर देते हैं यहां पर वाला स्टोन लगा के, ठीक है। अभी गाइस ये जो सरफेस है ना, मैं इसे स्प्लेन करने में पूरा का पूरा बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, मतलब इतने सारे बेडरॉक तोड़ने पड़ेंगे, कम से कम 50 बेडरॉक तोड़ने पड़ेंगे, और हर बेडरॉक को तोड़ने के लिए हमें 2 TNT चाहिए, यानी कि हमें टोटल 100 TNT चाहिए होंगे, तब जाकर ये जो एरिया, वैसे 50 तो नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे, बट हाँ फिर भी टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। पर कोई नहीं यार, अभी फिलहाल अपना ये काम हो चुका है। हम लोग ना कैसे भी एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं, अपना मेन काम हमने कर दिया, फटाफट से ऊपर चलेंगे। और अभी जो साइड की बाउंड्री है ना गाइस, मेरे को ये कंप्लीट करनी है, उसके बाद इसको मैं अपना करते रहूंगा बाद में भी, जल्दी से चलना है ऊपर, लेट्स गो गाइस। अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं वाटर बकेट से वाटर लगाते फाइनली अपने कासल पर पहुंच चुका हूं, और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना फिलहाल गाइस जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं सीधा नेदर के लिए। तो एक सेकंड यार, नेदर जाने से पहले गाइस यार मैं अपनी वाली जो पिकैक्स है ना इसको रख लेता हूं, क्योंकि अगल बगल जो लावा पड़े रहता है ना वो दिक्कत ना दे दे। तो वैसे मेरे पास एक और पिकैक्स है यहाँ पर डायमंड की, तो एक गोल्ड वाली ले चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको यूज नहीं करने वाला, तो भी ले चलेंगे तो कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगी। बाकी जितना सामान फालतू है ना उसको मैं इसके अंदर रखवा देता हूँ सारा का सारा, खाना तो ले लेता हूँ। तो लेट्स गो गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं अपनी सीढ़ियां चढ़ के अपने कासल की छत पर, और फटाफट से चले जाते हैं सीधा नेदर के अंदर बेसॉल्ट कलेक्ट करने के लिए। बेसॉल्ट यार देखो मैंने ना यहाँ पर भी लगा रखा है, अपने जो जितने भी टावर है ना ये वाले, इसके अंदर भी बेसॉल्ट ही लगा हुआ है, तो वो मैं आपको भी फिलहाल बाद में दिखाऊंगा। बाकी तू यहीं बैठ जा, तू मत चल मेरे साथ, पता चला ऐसा कोई कूट वूट डाले। बाकी भी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं, बट एक सेकंड अंदर जाने से पहले ना गाइस ये मैं पहन लेता हूँ, इलाइट्रा भी मेरे को रख देना चाहता, पर कोई नहीं, सेफली खेलना पड़ेगा, इलाइट्रा खराब नहीं होना चाहिए। तो लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सीधा नेदर पोर्टल में, और अभी फटाफट से एक सेकंड ये, अबे हेलो ये क्या हुआ, ये मेरी एंट्रेंस गाइस कहीं और से हुई है, पहले अपना नेदर कहीं और खुलता था और अभी फिलहाल ये एकदम ही अलग जगह पर आया, ये कैसे हो गया, मेरा वाला पोर्टल टूट गया क्या भाई? नहीं यार ये कुछ तो अजीब चीज़ हुई है, मेरे को समझ नहीं आ रही, अपना जो गाइस ये पोर्टल था कहीं और पर खुलता था और अभी फिलहाल एकदम ही अलग जगह पर खुला है, मुझे नहीं मालूम ये क्या हुआ है। अभी बस मेरे को ना बेसॉल्ट से मतलब है, तो जल्दी से ना गाइस ये सारा का सारा मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस ये जो पिकेक्स है सच्ची में बहुत ज़्यादा स्लो है, गोल्ड वाली निकालो भाई, ये भी उतनी स्लो है, बट कोई नहीं इसको ख़त्म करके मैं वेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस यार देखो, जहाँ पर अपना ये नया वाला पोर्टल बना है ना, इस पूरे के पूरे एरिया में यहाँ पर लावा काफ़ी ज़्यादा था, तो इधर अभी फिलहाल मैंने ना यहाँ पर नेदर रैक्स लगा दिए हैं ताकि लावा अपने को नुकसान ना पहुँचाए। और अभी जल्दी से गाइस इधर का ना सारा का सारा बेसॉल्ट मैं तोड़ने वाला हूँ, ताकि इधर थोड़ा बहुत स्पेस बन जाए, क्योंकि यार एकदम पूरी बंद सी जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेकार सी लग रही है। ओ नीचे लावा था काफ़ी सारा, ठीक है, तो भी यहाँ पर ये जगह मेरे को बंद करनी पड़ेगी और आगे की तरफ में थोड़ा, बाकी यार ये एकदम पूरी बंद जगह है, मैं यहाँ से बाहर कहाँ से निकलूंगा? ओके इधर की तरफ में कुछ रास्ते हैं, ओ ठीक है, तो ये अपना बाहर आने का रास्ता। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारा मैग्मा ब्लॉक है, तो इसको भी जरूरत नहीं है वरना कलेक्ट करते। बाकी गाइस मुझे पता है क्या लग रहा है कि मैं ना बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हूँ, ये देखो भाई मैं कहाँ पर चढ़ा के बैठा हुआ हूँ, पता नहीं यार अपना वो वाला पोर्टल कहाँ पर होगा, लेकिन यार मैं उसको ढूंढूंगा और उसको ना रिपेयर कर दूंगा, फिर उससे क्या होगा कि हम लोग इधर स्पॉन नहीं होंगे, ये वाला पोर्टल मैं आकर तोड़ दूंगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यार वहाँ से मेरे को ना पूरे के पूरे रास्ते पता है कि वो जगह कहाँ से कहाँ जाती है। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल बेसॉल्ट तोड़ते मुझे पूरे के पूरे 15 मिनट हो चुके हैं, और अभी ना गाइस मैंने काफी सारा बेसॉल्ट कलेक्ट कर लिया है, इस पूरे की पूरी जगह को साफ कर दिया। बाकी मेरी पिकेक्स की हेल्थ तो देखो भाई कितनी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन अभी मैंने ठान लिया है कि मैं तब तक इसे तोड़ते रहूंगा जब तक मेरी पिकेक्स की HP 1 ना हो जाए, फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। बाकी नहीं यार, पिकेक्स की HP अगर 1 हो जाएगी तो फिर अपनी नेदरराइट वैली की भी 1 है, और इसके अंदर तो मेंडिंग भी नहीं, मेरे को डायमंड वेस्ट नहीं, वैसे मेरे पास मेंडिंग की एंचेंटमेंट है। बाकी एक बार में 4 एंचेंटमेंट लग जाती है क्या?
पता नहीं, अगर लगेगी तो ठीक है लगा देंगे, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इस पूरी जगह को मैंने कितने बढ़िया तरीके से साफ करा है। बाकी अपने गाइस नीचे का थोड़ा सा तोड़ते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने यहाँ पर बेसॉल्ट की पूरी एक लेयर और तोड़ दिया है। और गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा बाहर, बाकी यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं ऊपर की तरफ में कुछ ब्लॉक्स लगाते हैं एंड सामने भी एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, गियर अपना सामने पोर्टल, फटाफट से चलते हैं अंदर। बट उससे पहले मैं खाना खा लेता हूँ क्योंकि एचपी काफी ज्यादा कम, सॉरी। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा अपने क्राफ्टिंग रूम में। वैसे मैंने अभी टेम्परेरी इसका नाम क्राफ्टिंग रूम रख दिया, पर मैं यहाँ पर कुछ और ही चीज बनाने वाला हूँ। तो हाँ मेरी ये बात कंफर्म होगी कि ये हरकत एंडरमैन की होती है। इधर तुम्हारी ऐसे की तैसी, क्या करने आया, अंदर निकल यहाँ से, मार इसको। अबे डॉग तेरे पर यार, ये क्या, ओ वाओ भाई इसने भी थोड़ा बहुत, दो एंडर पल दे दी इसने, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, दो नहीं तीन दे दी इसने भाई। कुछ भी जब हमें चाहिए होते तब ये एक नहीं रहते, और अभी दो दो तीन तीन एंडरपल दे रहा है। बट कोई नहीं, अभी जितना भी ये सारा का सारा बेसॉल्ट है ना इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। अब ये सारा ना पोलिस बेसॉल्ट बन जाएगा, तो ठीक है सारा कन्वर्ट करते हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मेरे पास काफी सारा पोलिस बेसॉल्ट हो चुका है। और गाइस अभी ना जल्दी से मैं इसे लेकर चलता हूँ और जो हमने वहां पर पूरी की पूरी एक टनल टाइप बनाई है ना उसके अंदर इसे लगा देते हैं। बाकी क्रीपर भाई साहब आपको शर्म बिल्कुल नहीं आती है ना, बिल्कुल नहीं आती, निकलो यहाँ से फिर भाई। मतलब एकदम घुस के तो ऐसे आ रहा है कि गेट खोल लेते हैं क्या, इनके तो हाथ भी नहीं होते, पता नहीं कैसा, शायद गेट खुला रह गया होगा। तो इस जगह को गाइस अभी ना मेरे को पूरा कवर करना है और इसको कवर करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो पहले यहाँ पर मैं एकदम मस्त एरिया बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ तो अगर मैं ऊपर से कवर करता हुआ जाऊंगा तो मेरे हिसाब से बेकार रहेगा। एक काम करते हैं हम लोग नीचे से कवर करते हुए आते हैं इसको, जल्दी से भी मैं चलता हूँ यहाँ पर फुल स्पीड में नीचे। पानी तो कलेक्ट करना भूल ही गया, इसको कलेक्ट कर लो और अभी चलते हैं गाइस नीचे फटाफट से। वैसे अगर इस तरीके से पानी का फ्लो बहते रहेगा, नहीं नहीं यार हमें नीचे से जाके काम करना चाहिए ताकि काम एकदम पूरा प्रॉपरली हो। तो ठीक है मेरे को बस यहीं तक आना है अभी जल्दी से गाइस। मैं एक बेसॉल्ट का ले लेता हूँ स्टोन, उसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ओ बच गया, बच गया भाई, ये थोड़ा सा गलत लग गया है, मेरे को कुछ इस टाइप से इसे लगाना है। तो जो नीचे वाला है इसको मेरे को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस अभी बस इस पूरी की पूरी एरिया को मेरे को इसी तरीके से कवर करना है, बस एक बार मैं रेशो सही से ना, अरे यार ये तो उल्टे लगने वाले हैं सारे। तो ओके गाइस जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि हमने 4x4 का स्क्वायर रेशो लेकर इस टनल को हमने डिग करा था। तो यहाँ पर जो मेन चार ब्लॉक्स है ना सेंटर वाले उसको मैंने इस तरीके से रख लिया है। बाकी भी मेरे को कुछ कॉबल स्टोन चाहिए थे जो कि मैंने शायद से ऊपर छोड़ दिया। तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग 1 2 चारों तरफ ना इसके ये लगाते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग बेसॉल्ट लगाना शुरू करेंगे। ठीक है तो यहाँ पर ये इस तरीके से लग जाएंगे चारों। अब बस ना इन सभी के ऊपर मेरे को ना बेसॉल्ट लगाते जाना है कुछ इस टाइप से। तो एक एक करके भी लगाओ, चाहे लाइन से लगाते जाओ। वैसे हाँ लाइन से लगाऊंगा तो जल्दी बनेगा, वरना एक एक करके लगाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट एक जो मेन बेस है ना वो मैं पूरा तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद ऊपर तो हम लोग करते रहेंगे। बाकी आसपास मेरे को लग रहा है अभी भी काफी सारी सिल्वर फिश है जिसको मुझे मारना पड़ेगा। तो देखो गाइस इसी तरीके से अपनी टनल वहां तक ऊपर तक जाने वाली है, मैंने कुछ ज्यादा डिक कर दिया था। बट कोई नहीं फुल स्पीड में अभी काम करते हैं हम लोग। और ये एक सेकंड FPP करते हैं। ठीक है वैसे गाइस सर देखो मुझे लगता नहीं है कि ये काम करने में मुझे ज्यादा टाइम लगने वाला है, अभी सिर्फ सिर्फ मेरे को 40 सेकंड हुए हैं समझ लो, और मैं एक लेन को टॉप तक लेकर पहुंच चुका हूं। अभी बाकी मेरे पास ना इसी तरीके से 8-9 लेने हो रहे हैं तो उसको भी मुझे ऊपर लाना है। बाकी यहाँ का ना पानी मेरे को बंद करना पड़ेगा वरना ये बहुत देर तक ऐसी दिक्कत करने वाला है। तो यहाँ पर मैं नेदरराक्स लगा देता हूँ, बाद में इसको हटा देंगे। ठीक है अभी इधर पानी नहीं आएगा। तो चलो एक लेन समझ लो अपनी पूरी कंप्लीट हो गई। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग पहले नीचे चलते हैं, यहाँ का मैंने ब्लॉक तोड़ दिया है। मैं यार देखो रिस्क नहीं, एक सेकंड मेरा पानी कहाँ पर चला गया भाई, हेलो मैंने पानी इधर डाला था पता नहीं कहां चला गया। बाकी इसको मैं जल्दी से भी कलेक्ट कर लेता हूं। फटाफट से गाइस हम लोग यहां पर नीचे चलते हैं और दोबारा से ना ब्लॉक्स लगाते हुए ऊपर आते हैं। तो एक को करने में मेरे को लगा है पूरे के पूरे 40 सेकंड, तो ये बाकी अभी कितने, ओ तेरी भैंस के रंग, मेरा डॉग कहां पर है, मार इसको भाई, डॉग मेरा मर गया ऊपर से गिर के लग रहा है। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल मैंने अपनी तीसरी लेन भी कंप्लीट कर लिया है, और इस काम को कंप्लीट करने के लिए ना मुझे एक बहुत ज्यादा तगड़ी ट्रिक मिली है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमें ना बस कुछ नहीं करना है, इस तरीके से ना यहां पर पानी डाल देना है, उसके बाद जब हम लोग नीचे जाएंगे ना तो अब देखना कितना ज्यादा आसान है काम करना। तो पहले ना फुल स्पीड में हम लोग नीचे, ये पानी अब बस ना हटाना नहीं है, पहले से नीचे जाने देते हैं। बाकी नीचे क्या है, एक सेकंड, अच्छा फिश आ गई, हेलो ये फिश कहां से आ गई भाई, ये कुछ भी हो रहा है भाई यहां पर, पता नहीं भाई ये फिश कहां से टपकी। बट अच्छी बात है इस तरीके से, तो गाइस हम लोग यहां पर अपना फिश फार्म भी बना सकते हैं। अब देखो गाइस हमें क्या करना है, ये जो बेसॉल्ट है ना इसको मैंने लिया, अब बस मेरे को यहां पर जाना है साइड पर, और इसको ना गाइस ऊपर इसे लगाते जाना है, पानी से मैं अपना तैरता जाऊंगा और फुल स्पीड में जा रहा हूं भाई। मेरे को बार बार ही ना जंप का बटन नहीं दबाना पड़ रहा, मेरे स्पेस के बटन को भी थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। बस हाँ बीच बीच में ना गाइस मेरे को सांस लेने के लिए थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ सकता है, वो भी एक सेकंड के लिए बहुत कम। तो ठीक है अभी जैसे मेरी ऑक्सीजन खत्म, थोड़ा सा यहाँ पर बाहर निकल के आराम से थोड़ा ऊपर तक जाओ, उसके बाद दोबारा से नीचे आके दोबारा लगाओ,
वैसे गाइस यार ये ना प्रो टिप की भी प्रो टिप मैं आपको बता रहा हूँ, अपना ना बस पानी से मुंह थोड़ा बाहर कर लो और जो बाकी की पूरी बॉडी है ना वो अंदर कर लो। मतलब कि इससे क्या होगा, अपने पास ना वाटर का पूरा फ्लो रहेगा, हम लोग ऊपर भी जाते रहेंगे और बाकी यहाँ पर हमें कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो ये जो ट्रिक है वो और भी ज़्यादा बढ़िया है, तो इसको आप लोग फॉलो करना। बाकी यहाँ पर एक ओके ठीक है, ये लोग ना मतलब कि ये जो चीज़ें हम लोग इसे बाद में क्लियर करते रहेंगे क्योंकि ऊपर आकर ना मैं इसे बाद में एकदम और बढ़िया तरीके से बना दूंगा। अभी फिलहाल ऑलमोस्ट सारी की सारी लेयर मैंने कंप्लीट कर दिया है, बस यहाँ पर एक दो और रह गए, तो अभी जल्दी से इसको भी लगाते हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा अपना काम, अच्छा वही मैं कहूँ दिमाग खराब कौन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डर्ट है इसको हटा देता हूँ। क्रीपर है कहीं पर, ओके भाई मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं जा रहा हूँ भाई। क्रीपर था कहीं पर, पता नहीं आवाज़ आई थी। बाकी इस पूरी पूरी इसमें ना एक ही फिश है, मेरे को अभी और फिश नहीं दिखी, पता नहीं क्या सीन है, शायद से स्पॉन हुई है या फिर ये आ गई है क्योंकि बगल में रिवर है तो मेरे को लग रहा है ये ना वहाँ से आ गई होगी। तो गाइस यार देखो ये है प्रो टिप अल्ट्रा प्रो मैक्स, इसमें हम लोग चार चार ब्लॉक एक ही बार में लगाने वाले हैं जिससे हमें बार बार ही नीचे नहीं आना पड़ेगा। मैं इतनी देर से पता नहीं क्या हरकत कर रहा था, एक एक लगाने की सोच कर मैं बैठा हुआ था, बट चार चार लगा के जाता था मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम बच जाता। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं और जल्दी बना सकता हूँ। तो हाँ गाइस ये फाइनल प्रो टिप है, इसके अलावा भी कुछ है तो मेरे को जरूर बताना। वैसे नहीं यार इससे फास्ट कुछ नहीं होगा, बाकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी फास्ट ब्लॉक प्लेस कर रहे हैं। और ये देखो ये क्या ही ट्रिक लग रही है, इधर का तो ब्लॉक ही रह गया, चलो कोई नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहीं से खड़े खड़े तुम्हारे भाई ने सारा का सारा काम कर दिया और फाइनली गाइस अपनी जो टनल है वो पूरी की पूरी बन चुकी है, यानी कि गाइस ये अपने कासल का सीक्रेट गेट होने वाला है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर मुझे बंकर लगाना चाहिए या फिर क्या लगाना चाहिए, मतलब बंकर से मेरा मतलब ट्रैप डोर लगाना चाहिए या क्या लगा कर देखते हैं क्या ज्यादा बेटर लगने वाला है। जल्दी से गाइस मैं एक आधा ट्रैप डोर क्राफ्ट करता हूँ, मेरे पास पड़े तो होने चाहिए। हाँ तो गाइस यहाँ पर मेरे पास दो दो ट्रैप डोर पड़े हुए हैं जो कि मैंने भी लास्ट टाइम निकाले थे। अभी जल्दी से गाइस इसको मैं यहाँ पर रख कर देखता हूँ कि कैसे लुक इधर आने वाली है। एक दो, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं वैसे देखने में। और अगर इधर ही हम लोग लेटर्स लगा उतनी पानी है बच जाऊँ भाई, सब पानी ना होता तो मैं गंदी तरह जाता। वाटर बकेट रखो, वापस से ऊपर चलो। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ, बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो नीचे की तरफ में कितना ज़्यादा बढ़िया नज़ारा में नज़र आ रहा है। और इस तरफ के ना गाइस हम लोग कुछ ब्लॉक्स तोड़ देते हैं जो कि किसी काम के नहीं है, तो ठीक है। ये सारे के सारे बैक साइड के ब्लॉक थे जिसका कोई भी यूज़ नहीं था, इसको भी तोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और इस तरफ में ना गाइस मैंने एक ब्लॉक नहीं लगाया था, ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक ब्लॉक लग जाएगा, ऊपर से लगाएंगे। ओके, तो अब काफी ज्यादा बढ़िया लुक हो चुका है, इसको भी तोड़ देता हूं, यहां पर ना एक बढ़िया सा रूम बन जाए। तो गाइस यार देखो बाहर से देखने में अपना थ्रोन कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना ज्यादा हैवी है, कितना ज्यादा तगड़ा बना होगा। गोल्ड वोल्ड लगा रखा है भाई इसके अंदर, नीले रंग की आग भी लगी हुई है। फिलहाल यहां पर भी आग बुझ गई थी क्योंकि उस टाइम मैंने वाला जो सॉइल है वो तोड़ दिया था। और पीछे से देखने में देखो कैसा भाई, पूरा का पूरा खोखला कर दिया मैंने इसको। चलो कोई नहीं, जो भी है बढ़िया है। बाकी आप लोग एक बार नीचे की तरफ में नजारा देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अपने गाइस मेरे को यहां पर लैडर्स लगानी है और भी बहुत कुछ करना है जो कि हम लोग सीधा बेडरॉक पे जाके करेंगे, बट उससे पहले मेरे को सारा का सारा तोड़ना पड़ेगा। और वहीं से गाइस हम लोग माइनिंग के रास्ते बनाएंगे, सीक्रेट रास्ते बनाएंगे, और भी बहुत कुछ बनने वाला है। फिलहाल ये जो चीज है कितनी ज्यादा बढ़िया है। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी जल्दी से आकर मुझे कमेंट में बताना, अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो पर 600,000 लाइक कंप्लीट कर दो। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जिसने अभी तक ना गाइस ये जो बेल आइकन है इसे नहीं दबाया, फटाफट से यूं तीर मार के वाला जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। और मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो, मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।